डॉक्टर गिफ्ट प्राइज दे सकता है। अरे भाई रुक, भूमिका तो जाइएगा, आप पर बहुत मुकदमे हैं, ऐसा ना हो कि आपका इंकाउंट। दोस्तों, आजम खान ने अब पुलिस को लेकर बड़ा दावा किया है। जहां पुलिस के लोगों की रक्षा करनी चाहिए, वहीं पुलिस अब धमकी दे रही है, कहीं पत्रकारों को तो कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों को। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जहां जेल से रिहा हुए थे, वहीं उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। अब उनको पुलिस वालों ने धमकी देना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आजम खान ने दावा किया है कि एक इंस्पेक्टर ने उन्हें जेल में चेतावनी दी थी कि रिहाई के बाद उनका एनकाउंटर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन्हें जमीन हथियाने के एक मामले में जमानत दी थी। खान ने कहा कि जब एक इंस्पेक्टर जेल में धमकी दे सकता है, कहता है कि अंडरग्राउंड हो जाओ, तुम्हारे खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, तुम्हारा एनकाउंटर हो सकता है, तो फिर ऐसे खतरे के सामने यह कहना मुश्किल है कि मैं किस ओर जा रहा हूं। दोस्तों, पिछले 2 सालों से जेल में बंद रामपुर विधायक सीतापुर जेल से बाहर आए हैं। आजम खान ने कहा कि सीतापुर जेल में उन्हें धमकी मिली है। जेल में एक दरोगा उनसे मिला था, उसने कहा था कि जब यहां से आप जमानत पर रामपुर जाएं, तो कोशिश करें अंडरग्राउंड रहिएगा, एनकाउंटर हो सकता है। उसके बाद इस बयान की चर्चा हो रही है। दोस्तों, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें आजम खान कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उनको अब पुलिस धमकी दे रही है। आजम खान ने कहा कि मैं 40 साल सोने और चांदी के कंगन हासिल करने के लिए नहीं बिताए हैं, मेरे पास कोई बंगला नहीं है। जब ईडी वाले जांच के लिए जेल में 5 दिन आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि विदेश में कहां कहां आपकी प्रॉपर्टीज हैं, कहां कहां बैंक खाते हैं, तो मैंने उनसे साफ इतना कहा कि मुझे आपके सवाल पर गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहां पैदा हो गया। वो तरक्की मेरी एक दिन में कई करोड़ लोगों ने सुनी थी। मैं नहीं जानता क्या हुआ, मैं तो यह जानता हूं कि मैं 1 साल सीन से आउट रहा, क्योंकि पुलिस कहती थी एनकाउंटर हो जाएगा। 27-28 महीने मैं जेल की एक कोठरी में रहा, जिसमें उन लोगों को बंद किया जाता था जिन्हें 2 दिन बाद फांसी होती थी। बिल्कुल अकेला था, जिंदा आ गया वापस। लीडरशिप को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि लीडर तो हम कभी ही नहीं थे, अगर लीडर होते तो बहुत से काम कर नहीं पाते, अगर लीडर होते तो यूनिवर्सिटी नहीं बनाते, बच्चों के स्कूल नहीं बन पाते। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, जिसका मैं चेयरमैन हूँ और यूनिवर्सिटी का चांसलर हूँ, ये नॉन बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग इसमें पैसा देते हैं, सैलरी नहीं लेते हैं, खाना और नाश्ता भी घर से जाता है। पंकज झा ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, रामपुर से लखनऊ जाते समय आजम खान ने कहा मेरी जान को खतरा है, जेल में मुझे इंस्पेक्टर ने अंडरग्राउंड रहने को कहा था, एनकाउंटर की धमकी दी थी, इसलिए पता नहीं मेरा सफर कहां तक का है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसे ही खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।